बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर कटलेट। पनीर कटलेट बनाना बहुत इजी है और ये खाने में तो बहुत टेस्टी लगती ही है। तो चलिए देखते हैं कि पनीर कटलेट कैसे बनती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन की बटन है उसे जरूर दबा दीजिए। मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पनीर कटलेट कैसे बनती है। लेट्स गो। पनीर कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें पनीर चाहिए। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसको मैंने क्रम्बल कर लिया है। 2 आलू हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, अब इसको डाल देंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, इसको मैं डाल दूंगी। 1 मैंने शिमला मिर्च लिया है जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, इसको भी मैं डाल दूंगी। थोड़ी सी मैंने गाजर ली है, इसको भी छोटा छोटा काट लिया है, इसको भी मैं डाल दूंगी। 1 हरी मिर्च लिए हमने, इसको डाल देंगे। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स लिए, इसको डाल देंगे। 1 चम्मच नमक लिया है हमने, इसको डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। रेड चिली पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली भी डाली है, चिली फ्लेक्स भी डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स लिया है, इसको मैं इसको बाइंडिंग के लिए डाल दूंगी। आलू और ब्रेड क्रम्स से बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी कटलेट्स की। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक इसका सॉफ्ट डो लगा के रेडी कर लेते हैं। ये हमारा सॉफ्ट डो लग के तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटलेट्स बनाएंगे। 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और एक इसका पतला घोल बना लेते हैं कटलेट्स की कोटिंग करने के लिए। ये हमने एक पतला घोल बना लिया इसकी कटलेट से कोटिंग करने के लिए। थोड़ा सा हाथों को चिकना करके थोड़ा सा मिक्सर लेंगे हाथ में, इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे इसका। आप कोई भी शेप बना सकते हैं। इस तरह से मैं सिलेंड्रिकल शेप दूंगी इनको, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। सारे कटलेट्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब हमने कॉर्नफ्लोर का घोल ले लिया है। अब अपने कटलेट्स को इसमें डीप करेंगे इस तरह से और ब्रेड क्रम्स में लगा देंगे इसको इस तरह से। दूसरा कटलेट्स लेंगे, ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। इस तरह से सारे कटलेट्स को हमने ब्रेड क्रम्स में लगा के रेडी कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई रख दी है, ऑयल डाल दिया है। हमारा ऑयल मीडियम गर्म हो गया है। अब इसमें हम अपने कटलेट्स डालेंगे। एक बार में कटलेट्स को ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो कटलेट्स आपस में चिपक जाएंगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी कटलेट्स डालकर हमें फ्राई करना है। सारी कटलेट्स को हमने पलट दिया है। हमारी सारी कटलेट्स नीचे से भी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, इनमें कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम अपना दूसरा बैच डालेंगे। हमारा सेकंड बैच भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। हमने अपने कटलेट्स को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। पनीर कटलेट्स खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। आप इसे स्टार्टर के रूप में कभी भी बनाकर खा सकते हैं या किसी पार्टी में भी बनाकर इसको इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी पनीर कटलेट की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी पनीर कटलेट की रेसिपी कैसी लगी। देखा फ्रेंड्स, हमारी पनीर कटलेट कितनी अच्छी बनी है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कितनी सॉफ्ट है। पनीर कटलेट बनाना बहुत इजी है। आप घर में इसको स्टार्टर के रूप में कभी भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे हर न्यू वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।